4:30 हो गए, आई डोंट नो हम अगर जबल जैश आज पहुंच पाएंगे या नहीं। भैया अगर एडवेंचर करना है ना तो इनसे जो है ना रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। सो गाइस लेट्स बिगिन। अभी बज रहे हैं 3:34, सो लेट्स सी। काफ़ी ब्राइट है और गर्म नहीं है, हवा ठंडी है, तो मेरे ख्याल से इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अभी आगे एक छोटा सा ब्रेक भी लेंगे। चलिए भाई जॉइन द जर्नी विद मी एंड आई होप यू गाइस लाइक इट। ये अपना रूट जो है थोड़ा ओल्ड रूट है, कॉर्निश की तरफ से हम जाएंगे शारजा की, और टाइम शॉर्ट अगर करना है तो लेट्स टेक द हाईवे। मेरे ख्याल से हम लोग हाईवे ले लेंगे बाद में आगे से, जो नेशनल हाईवे है जिसको हम रिंग रोड भी कहते हैं, तो वो काफ़ी फास्ट है। आई थिंक आई विल टेक दैट रूट, क्योंकि पुराना जो रूट है वो बहुत ही स्लो है। आई थिंक वही सही रहेगा, क्योंकि आते वक्त रात को मैं इतना फास्ट नहीं चलाना चाहता हूँ और वहाँ पर ट्रैफिक नहीं होती है बिल्कुल भी, तो आई माइट एज़ वेल टेक दैट रूट। अभी हम जो है वो नेशनल हाईवे रिंग रोड, जो एमिरेट्स रोड है, हम एमिरेट्स रोड से जाएंगे। एंजॉय द राइड विद मी, ट्रैवल पैशन 247। भाई मैं तो गलत हो गया, क्योंकि मैं अपना मोबाइल भूल गया था घर पे, तो मुझे वापस से जाना पड़ा और वहाँ से जाकर मुझे अपना मोबाइल उठाना पड़ा। और टाइम अभी हो गया है 4:30, बराबर एक घंटा मेरा जो है, एग्जैक्टली 1 आवर वी हैव लॉस्ट। अभी हम लोग ये करेंगे कि पुराने रास्ते से जाएंगे रासिल खेमा, वही जो हमारा इनिशियल प्लान था स्टार्टिंग में जो बोला था, तो अब वही करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ रोला की तरफ से, यहाँ से हम जाएंगे सीधा अजमान, अजमान से होगा उमलक्वेन और उमलक्वेन से होगा रासिल खेमा। आगे देखते होता है क्या, और कीप इन टच। जब हम पहुँचेंगे अजमान के नज़दीक तो फिर हम वापस रोल करेंगे। ये बैक साइड रोड है, इट्स नॉट द हाईवे, इट्स एक्चुअली द बीच रोड। द बीच रोड इज़ ऑन दैट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड, बट देन हम यहाँ से जाएंगे। 4:30 हो गए, आई डोंट नो हम अगर जबल जैश आज पहुँच पाएंगे या नहीं, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये ट्रैफिक में तो यार मुश्किल लग रहा है, 4:30 हो गए, इट्स अराउंड 160 किलोमीटर्स फ्रॉम शारजा। आगे ब्रेक भी तो लेना है, और ये 80 के ऊपर हम नहीं चला सकते यहाँ पर। ये रहा रडार, और इसकी वजह से जो है ना टोटल कंट्रोल है स्पीड पे, 80 के ऊपर हम नहीं मार सकते रोड पे। लेट्स सी, अभी अजमान आता है उसके बाद फिर उमलक्वेन टच करेंगे, तो वो जो दूसरा रोड हम लेंगे वो 100 पे हम दौड़ा सकते हैं। ये नया कंस्ट्रक्शन है शारजा वाटर फ्रंट, और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने ये कम्युनिटी बनाई है। और शारजा वाटर फ्रंट का तो क्या कहना भैया, रियल एस्टेट में अभी इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक करना है। अजमल मकान सिटी, कम्युनिटी नहीं है भाई, ये तो पूरी सिटी बना दिया इन्होंने। और अब हम जाएंगे, ये आगे जो है ना
थर्मल कोइल। एक ब्रेक हम लेंगे जहाँ पर हम पिएंगे एक मस्त चाय। और चाय का ब्रेक करने के बाद हम बढ़ेंगे आगे जो कि रास खेमा के ऊपर पहुंचता है। ये आ गई अपनी चाय कड़क, थैंक यू। ये रे भैया अपनी चाय। तो लेट्स सी, ये हमारा टेबल छोटा सा। चलो भैया अभी निकलने का टाइम हो गया तो लेट्स हॉप ऑन। अभी भैया यहाँ से अभी हम शायद कहीं रोके, रासर खेमा में रोकेंगे और वहाँ से मैप ऑन करेंगे क्योंकि मुझे रास्ता इतना ख़ास पता नहीं है। बाहर निकलो भैया, बाहर निकलो और निकलने दो। अभी फुल एनर्जी आ गई ली है, 25 किलोमीटर के बाद हॉल्ट हुआ है, सॉरी 30 किलोमीटर के बाद। ऐसे चलेगा तो कैसे पहुंच पाएंगे भैया, 5 बज गए। अभी अपने को दौड़ाना पड़ेगा ताकि अपन और लंबा कवर कर सके। Some more developments going on over here. Thank you. लो जी सामने जो है वो है जबल जैस, हम वहाँ जाने की बात कर रहे हैं। एट द मोमेंट मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी तो मैं छोटा सा हॉल्ट लिया हूँ इस रोड पे। एंड ऑल्सो आई नीड टू चेक द मैप फॉर जबल जैस। This is the first time I'm using my phone on the front with the GPS on. So just let's follow this to Jabal Jais. ये रहा जबल जैस, कितना बड़ा और कितना शानदार। I just love mountains. मेरी बैटरी की टेंशन नहीं है क्योंकि बैटरी जो है मेरी चार्ज हो रही है, पूरा इस्तेमाल हो रहा है एडवेंचर टूर का। उसके जो गैजेट्स लगे हैं बाइक पे। तो सामने है भैया जबल जैस। ओह माय गॉड, 54 मिनट्स। आई होप हम लोग जो है ना टाइम पे पहुंच जाए बिफोर द सनसेट। सेकेंड एग्जिट बता रहा है। अब
ग्लोबल जेस पे जो टेम्परेचर है ना, वो सिटी से और जो भी टेम्परेचर अभी चल रहा है ऑन द ग्राउंड, वहाँ से काफ़ी कम होता है। तकरीबन 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कम होता है, एंड वी विल एक्सपीरियंस दैट। एटलीस्ट 6 डिग्री भी कम हो तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, ठंडा रहेगा। मगर काफ़ी चढ़ान है, इट्स प्रीटी हाई, सामने दिख रहा है। यहाँ पर इनका डेंटल कॉलेज है राइट पे, ये राइट साइड पे जो दिख रही है बिल्डिंग, वो डेंटल कॉलेज है। और सामने जबल जैस, ओ आज तो फुल मून भी है यार, फुल मून के साथ ज़बरदस्त सीन होगा। और वो ये सीन है कि हमको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि ऊपर लाइट्स नहीं है, हमारे आगे और हमारे पीछे कोई गाड़ियाँ नहीं है। काफ़ी मज़ेदार जर्नी है रोड अलोन। पूरा गांव का मंजर है यहाँ पर, जैस माउंटेन 15 किलोमीटर्स, अब बच गए हैं 6। किसी तरह तो मैं यहाँ पहुँच गया, बिल्कुल आज उम्मीद नहीं थी कि आज हम यहाँ पहुँचेंगे। और लो भाई हम आ गए जबल जैस। ये पुराना रासल खेमा है और ये मिलिट्री एरिया है बेसिकली। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर ड्रोन नहीं उड़ा सकते, सो गाइस इस बार जो है ना मुझे माफ़ कर दो। एग्जिट द राउंड अबाउट, इन्होंने ये रास्ता टोटली चेंज कर दिया। ऑफ रोडिंग करना है तो यहाँ पर आ सकते हैं, मगर हमारे टायर्स ऑफ रोड के नहीं है, इसीलिए जो है चलता जा। तो ये एग्ज़िट दिखा रहा है जबल जैस के लिए, एग्ज़िट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। राउंड अबाउट से राइट दिखा रहा है, वाह ज़बरदस्त कर दिया यार, वो वो माय गॉड लुक एट दैट लवली गली। भैया लोग उतर रहे, हम ऊपर चढ़ रहे। That amazing man. तो ये है जबल जैस के बीच में जो पॉन्ड, और ये है हमारी बाइक, और ये है द स्टार्ट ऑफ जबल जैस। विदाउट वेस्टिंग आर टाइम हमको चलना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा भैया। ये तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, निकलो जबल जैस बता रहा है अभी 5 किलोमीटर। आई होप आप लोग देख रहे हो भैया। यहाँ से पानी पास होता है, तो वो लाल की पट्टी जो है, अगर वहाँ तक पानी पहुँच गया तो यू हैव टू स्टॉप आइदर देयर और एट द बैक, क्योंकि यहाँ से पानी होता है फ्लो, और हाई प्रेशर में फ्लो होता है बारिश के सीज़न में, बारिश हो तो।
Look at the mountains, yeah. ये कॉर्वेट खड़े लिए कहे के लिए खड़ी है। ये पूरा पानी पास होने का रास्ता है, इसीलिए ये स्ट्रेच जो है ना कंक्रीट किया गया है। एंड लुक एट दैट, यार पूरा रास्ता मैं बहुत टायर्ड हो रहा था, मगर ये देख के तो मेरी पूरी टायर्डनेस चली गई है। भैया अगर एडवेंचर करना है ना तो इनसे जो है ना रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। ये पूरा पानी का रास्ता था और ये रहा टोल नाका। देखिए भैया कहाँ आ गए हम। तो अभी हम आए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, इसको बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर। हम लोग वहां से आए, इतना शांत है यहाँ पर और जो मंजर है एकदम क्वाइट। मैं तो इसको 10th फ्लोर बोलूँगा। अच्छा मैं बताना भूल गया, वो जो पॉइंट है वहाँ पर ऊपर टॉप में जो टॉपेस्ट पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर जिप लाइन है और ये जिप लाइन वर्ल्ड की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट वाली जिप लाइन है और ये है जबल जेस में। We will go there some other day. अभी बहुत अंधेरा हो रहा है इसीलिए जो है ना हम इसको यहीं पर रोकते हैं। ये हमारी बाइक है और ये हम हैं और ये जबल जैस है। और भैया इसी के साथ let's say goodbye।